Good morning, students. In the last session, we have completed till our exercise 3.4. Only the bar graph and double bar graph topic is left. Okay. So for that, I am going to conduct a Zoom meeting. Live Zoom session we will conduct. So we will get a better idea about the bar graph and double bar graph. Till the time, we can have a practice of worksheets. Worksheet 1 के मैं कुछ sums आपको यहाँ पर सॉल्व करके बता रही हूँ, तो उसके ऊपर से आपको बाकी के सम्स कैसे सॉल्व करने हैं उसका आइडिया आएगा. ओके, सो वर्कशीट 1, 2 and 3 ऑलरेडी यू गॉट. वो उसमें से हम कुछ सम्स यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, बाकी के आपको होमवर्क में कर रहे हैं. राइट नाउ आई एम स्टार्टिंग विद वर्कशीट 1. वर्कशीट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 है डेफिनेशंस. सो डेफिनेशन यू कैन राइट योरसेल्फ. ओके, डेफिनेशंस आपको खुद से लिख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 2 है प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग डेटा. जो डेटा दिया है उसके ऊपर हमको फ्रीक्वेंसी टेबल यहाँ पर बनाना है. तो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है उसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है और बिगेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, वो आपको ऑब्जर्व करना है. तो वो आपको यहाँ पर डेटा में लिखना पड़ेगा. यहाँ पर फर्स्ट आई एम राइटिंग द डेटा 5, 2, 1, 3, 4, 4, 5, 6, 2, 2, 4, 5, 5, 6, 2, 2, 4, 5, 5, 1. ओके, ये पूरा डेटा मैंने लिख दिया है. अब उसके ऊपर से आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है. फ्रीक्वेंसी टेबल आपका कैसे बनेगा, यहाँ पर फर्स्ट आपको उसमें लिखना है कि जो भी आपका डेटा है वो स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करके बिगेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर तक यहाँ पर जाएगा. यहाँ पर मैं देख सकती हूँ स्मॉलेस्ट नंबर मेरा 1 है. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 इज द ग्रेटेस्ट नंबर. ओके, तो 1 से लेके 6 तक मैंने लिखा. सेकेंड कॉलम हमारा बनेगा टैली मार्क्स. एंड थर्ड कॉलम हमारा बनेगा फ्रीक्वेंसी. ओके, सो सेकेंड कॉलम है टैली मार्क्स, थर्ड कॉलम है फ्रीक्वेंसी. यहाँ पर टैली मार्क्स मैं कैसे बनाऊंगी कि एक एक नंबर को ऑब्जर्व करने के सामने यहाँ पर आपको टैली मार्क्स बनाते जाना है. यहाँ पर जैसे फर्स्ट है 5, तो 5 के आगे हमारा लाइन बनेगा. देन 2, 1, 3, 4, अगेन 4 इज देयर, 5 and 6. अगर आप इस तरह से कंफर्टेबल नहीं हो तो आप एक एक नंबर को कट करके सेकेंड नंबर पे जाके ऐसे बना सकते हो. जैसे 2, 2, तो यहाँ पर 2 को कट किया मैंने, ये 2 की लाइन बनाई. अगेन 2 को कट किया, 2 के सामने लाइन बनाई. 4, 5, 5, 6, 2, अगेन 2, फिफ्थ लाइन आपकी ऐसे बनेगी 4, 5, 5, 1, 4, 5, 5, 1. सो 4, 5, 5 and 1. इस तरह से पूरे डेटा को मैंने टैली मार्क्स के फॉर्म में लिख दिया है. अब मुझे यहाँ पर काउंट करना है, काउंट करना है कि मुझे 1 नंबर कितने टाइम्स आ रहा है. सो 1 नंबर इज फॉर 2 टाइम्स, 2 इज 5 टाइम्स, 3 1 टाइम, या 4 इज 4 टाइम्स, 5 इज 6 टाइम्स एंड 6 इज 2 टाइम्स. एट लास्ट यू हैव टू टोटल इट सो दैट यू कैन गेट आइडिया दैट यू हैव नॉट मिस्ड एनी नंबर. 5 + 2 = 7, + 1 = 8, + 4 = 12, + 6 = 18, + 2 = 20. सो टोटल 20 ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास. यहाँ पर मैं हमको काउंट करके टैली भी कर सकते हैं कि ये 20 ऑब्जर्वेशंस मैंने लिखे हैं ना, कोई मिस नहीं हो गया. इस तरह से आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है. उसके बाद नेक्स्ट, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का मीन फाइंड आउट करना है. सो नेचुरल नंबर्स आपको ऑलरेडी पता है, हमने डिस्कस किया था कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं. नेचुरल नंबर्स मीन्स काउंटिंग नंबर्स.
सो क्वेश्चन नंबर 3 नेचुरल नंबर्स, उसमें नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5. फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स आर 1 से लेके 5. और मीन का मतलब क्या है? मीन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ओके, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5. 5 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि टोटल मेरे पास कितने ऑब्जर्वेशंस है? 5 ऑब्जर्वेशन. 1 प्लस 2 इज 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15 डिवाइडेड बाय 5, 5 इज 5, 5 3 इज 15. सो 3 इज द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. इस तरह से सिंपल जब भी डेटा दिया है तब हमको मीन ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है मीन ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स ऑल्सो यू नो कि प्राइम नंबर्स कौन से हैं और उसके ऊपर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, द एजेस इन ईयर्स ऑफ 50 प्लेयर्स ऑफ अ स्कूल आर गिवन बिलो. 50 प्लेयर्स की एजेस दिया हुआ है. अब यहाँ पर एज ईयर्स में लिया है फर्स्ट क्वार्टर. फर्स्ट हमारा रो इस तरह से 14, 15, 16, 17, 18 एजेस दिए हुए हैं. नंबर ऑफ प्लेयर्स दिया. अब यहाँ पर आप कैसे फाइंड आउट करोगे मेन प्लेयर? यहाँ पर पहले तो बताया कि 50 प्लेयर्स का लिया, लेकिन यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि मुझे कॉलम्स कितने 5 मिले हैं. सो 5 ही है प्लेयर्स, तो ओके मुझे 5 ही यहाँ पर दिख रहे. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेयर्स 15 है और इसकी एज 14 है, ऐसे आपको काउंट करना है. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, नंबर ऑफ प्लेयर्स 15 प्लेयर्स की एज 14 ईयर्स है. मतलब ऐसे 15 प्लेयर्स हैं कि जिसकी एज 14 ईयर्स है, देन ऐसे 14 प्लेयर्स हैं कि जिसकी एज 15 ईयर्स है. तो हमारे पास यहाँ पर मीन फाइंड आउट करने के लिए कोई एक अलग से हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, अलग से मेथड है दैट आई एम शोइंग यू राइट नाउ. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है एजेस एंड नंबर ऑफ प्लेयर्स गिवन. एजेस एंड हियर नंबर ऑफ प्लेयर्स, ये दोनों हमको बताया हुआ है. ओके, एजेस क्या है? इयर्स में है और यहाँ पर प्लेयर्स बताया. एजेस में है 14, 15, 16, 17, 18. ओके, एंड नंबर ऑफ प्लेयर्स है 15, 14, 10, 8, 3. तो ये नंबर ऑफ प्लेयर्स है हमारे पास. एजेस और नंबर ऑफ प्लेयर्स दोनों बताया हुआ है. हमको फाइंड आउट करना है मेन एज. तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि 50 प्लेयर्स की एजेस बताए. 50 प्लेयर्स मीन्स इसका टोटल 50 होना चाहिए. 15 प्लस 14 इज 29 प्लस 10 39 प्लस 8 47 प्लस 3 इज 50. ओके, सो 50 प्लेयर्स की एज बताइए. 15 प्लेयर्स ऐसे है कि जिसका एज 14 ईयर्स है. 14 प्लेयर्स ऐसे है कि जिसकी एज 15 ईयर्स है. 10 प्लेयर्स ऐसे है कि जिसकी एज 16 ईयर्स है. 8 प्लेयर्स की एज 17 ईयर्स है और 3 प्लेयर्स की एज 18 ईयर्स है. तो यहाँ पर हम जब भी मीन फाइंड आउट कर रहे हैं तो मीन के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाला है. सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. Observations divided by total number of observations. Sum of all observations. यहाँ पर हमको direct नहीं दिया है data, तो हमको क्या करना पड़ेगा? 15 players की age 14 years है, multiplication करना है.
मतलब समझ में आ रहा है, एक प्लेयर की एज 14, सेकेंड प्लेयर आया उसका भी एज 14, थर्ड प्लेयर है उसकी भी एज 14, तो इस तरह से हमारे पास टोटल कितना है 15 प्लेयर्स है और जिसकी एज 14 ईयर्स है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 17 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 18। इस तरह से हमको सारे एजेस का सम मिलेगा और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितने ऑब्जर्वेशंस है 50 ऑब्जर्वेशंस, 50 प्लेयर्स है सो 50 ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करके आंसर्स लिखना है, 15 मल्टीप्लाई बाय 14 सो दैट इज 210, ओके 15 इंटू 14 इज 210, 210 प्लस अगेन 15 इंटू 14 210, 10 इंटू 16 160, 17 इंटू 8 17 एट्स आर 136 प्लस 18 इंटू 3 18 थ्रीज आर डिवाइडेड बाय 50। ये सब का टोटल करके उसको 50 से डिवाइड करना है, जो भी आपको आंसर मिल रहा है वो होगा आपका मेन एज ऑफ 50 प्लेयर्स। ओके सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द सम, किस तरह से हमको फाइंड आउट करना है। ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम। ओके सो क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से करना है, उसके जैसे ही हमारे पास और क्वेश्चंस है, जैसे कि आपके पास मीन फाइंड आउट करने वाला है क्वेश्चन नंबर 10 कि जिसमें भी इस तरह से आपका मेथड रहेगा। तो ये मेन इस तरह से फाइंड आउट होता है कि जब हमको डेटा इस फॉर्म में दिया है कि टेबुलर फॉर्म है लेकिन उसमें हमारे पास डेटा जो है वो 15 प्लेयर्स का 14 एज इस तरह से कुछ दिया है डेटा, तो हमको इस तरह से फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर गिवन एंड फाइंड द मीडियन वेट। मीडियन वेट फाइंड आउट करना है, मीडियन मीन्स क्या, द मिडल नंबर वो हमको पता है। मोड का मतलब है कि जो हाईएस्ट आ रहा है वो होता है और मीडियन का मतलब है मिडल नंबर। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 उसमें डेटा हमारे पास है 40, 52, 34, 47, 31, 35, 48, 41, 44, 38, 42 इस तरह से हमारे पास डेटा है और उसमें हमको मीडियन फाइंड आउट करना है। सो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा शुड बी आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए डेटा, तो यहाँ पर मुझे पहले तो इसको अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर इज 31, 31, then 34, 35, 38, then 40, 41, 42, 44, 47, 48, and 52. इस तरह से हमारे पास डेटा है। टोटल ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कितने हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 ऑब्जर्वेशन है। मिडल नंबर फाइंड आउट करना है 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 ऑब्जर्वेशन निकाल देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 भी निकाल देते हैं। मिडल नंबर क्या है 41, सो मीडियन इज इक्वल टू